नमस्कार मित्रों, मैं पंडित संजीत झा आपका अपने YouTube चैनल माई दशा में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और इस पितृपक्ष में हम अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं और उनके लिए तिल जल अर्पित करते हैं और अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं कि उनका आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर बना रहे। तो इस बार पितृपक्ष बहुत ही तिथियों के हेर फेर में चलता रहा है, तो आगे अमावस्या जो है वो भी इस बार इसी प्रकार से बनी हुई है। 2 दिन है अमावस्या, एक तो सोमवार 8 तारीख को और मंगलवार को भी 9 तारीख को अमावस्या है। अब कई बार लोगों के मन में ये संशय है कि हम पितृ विसर्जन कब करें या पितरों के निमित्त जो अमावस्या को श्राद्ध करते हैं वो कब करें। तो मित्रों, मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि कब करें हम पितृ विसर्जन। तो मित्रों, पितृ विसर्जन जो है संध्या के समय में सूर्य अस्त से पूर्व किया जाता है। तो जिस दिन शाम के समय अमावस्या है उसी दिन जो है पितृ विसर्जन करना उचित और श्रेष्ठ माना जाएगा। 8 अक्टूबर को अमावस्या जो है संध्या के समय व्याप्तमान है, क्योंकि 8 अक्टूबर को सुबह लगभग 11 बजे के आसपास जो है अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी और उसी के बाद से जो है अमावस्या का श्राद्ध किया जा सकेगा। अब कई बार लोग कहते हैं कि सुबह ही बना लिया, सुबह ही कर दिया, तो जो सुबह ही आप कर लेंगे तो वह चतुर्दशी का श्राद्ध गिना जाएगा, अमावस्या का नहीं। तो जो अमावस्या का श्राद्ध करते हैं वह सुबह 11 बजे के बाद ही जो है अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें, तभी जा कर के जो है उनके द्वारा दिया गया अमावस्या का श्राद्ध जो है सफल होगा और लगेगा भी। और एक छोटा सा उपाय भी आपको बता देता हूँ कि जो अमावस्या वाले दिन पितरों के लिए पितृ तर्पण करते हैं, उनके जितने भी पितृ दोष इत्यादि हैं या कुछ जो कुछ भी कारण है जिससे कुंडली में पितृ दोष बना हो, उन सब दोषों की शांति में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है पितृ तर्पण करना। तो अपने पूर्वजों की शांति के लिए आप पितृ तर्पण करें और 8 तारीख को ही पितृ विसर्जन इत्यादि जो कुछ भी आपको करना है वो सब 8 तारीख को ही करें। और अमावस्या का जो विशेष दान कई लोग देते हैं, जो केवल अमावस्या का ही दान देते हैं, वो अगले दिन मंगलवार को जो है दान अपना दे सकते हैं। और श्राद्ध के निमित्त जो अमावस्या है वो 8 तारीख को और दान पुण्य वाली जो है वो मंगलवार को है। तो आशा करता हूँ ये अब जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप जो है 8 तारीख को ही पितृ विसर्जन करें, जिससे कि आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कृत्य जो है सफल हो और उसका आपको फल प्राप्त हो सके। जय माता दी। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। जय माता दी।